नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एक नया नोटिस पब्लिश हुआ है PGI रोहतक की वेबसाइट पे, उसके बारे में MBBS और BDS के एडमिशन्स के रिगार्डिंग कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे कि कितनी सीटें हैं BDS की, MBBS की, और किस प्रकार से आपकी ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी, कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीटें हैं और क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है इन सभी कॉलेजेस में, और कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको जमा कराने हैं, वो अपलोड करने हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि MBBS, BDS, BMS, BHMS, नीट के थ्रू जितने भी एडमिशन्स होंगे आपके हरियाणा में, उन सभी एडमिशन्स की सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटे, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो PGI रोहतक है वो आपका करवाएगा। नीट 2020 बेसिस पे आपके एडमिशन्स होंगे गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। तो जो कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा में, वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका कॉलेज है PGI रोहतक, उसके बाद भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत में, फिर आपका नूह में है, और फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में है, और ESIC जो मेडिकल कॉलेज है आपका फरीदाबाद में। तो ये पांच आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। एक आपका गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज है जो महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा हिसार में है, और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो PGI रोहतक के अंडर, वो दो कॉलेज आते हैं। एक NC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पानीपत में है, और एक आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्रा में। तो ये दोनों PGI के अंडर आते हैं। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जो ये दो अलग है, ये अलग ही यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये SGT मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो आपका गुरुग्राम में है, और एल फ्लार स्कूल ऑफ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर जो आपका फरीदाबाद में। तो ये अलग से दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनके ये अलग मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट। तो इनकी फ़ी स्ट्रक्चर वो ज़्यादा है, फ़ी स्ट्रक्चर भी आपको आगे बताएंगे वीडियो में। जो डेंटल कॉलेज आपका, एक कॉलेज तो आपका गवर्नमेंट का डेंटल कॉलेज एक ही है आपका हरियाणा में, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज रोहतक में है, और प्राइवेट की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके डेंटल के। अब हम बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आप, और आपके हरियाणा के रेजिडेंस होने चाहिए आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS में या BDS कोर्स में। आपका हरियाणा का रेजिडेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि 50% आपकी स्टेट कोटा की सीट्स हैं और 50% आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीट है। तो ये स्टेट कोटा के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप हरियाणा के रेजिडेंस होने चाहिए, नीट 2020 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको आगे हम बता देंगे। और ये आप देख सकते हैं, आपका बॉन्ड आपको फिल करना होगा 5 लाख रुपीज़ का एट द टाइम ऑफ एडमिशन UG कोर्सेज के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की, तो फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फ़ी है जो आपकी, वो 4000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए, और 1000 रुपीज़ है SC कैटेगरी के लिए, और 10000 रुपीज़ है NRI कैंडिडेट के लिए। ये तो ये आप देख सकते हैं आपके। और जो ऑल काइंड ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन है, ट्यूशन फ़ी है, विल बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग बैंक अकाउंट। तो इस अकाउंट में आपकी वो जमा होगी, आपकी जो काउंसलिंग और एडमिशन फ़ी है वो इस जो अकाउंट डिटेल आपको स्क्रीन पर दे रखी है उस पर ही आपकी जमा होगी। अब हम बात करें अगर फ़ी स्ट्रक्चर की, तो फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं आप। PGI रोहतक आपका 52,070 रुपये है पर ईयर का। फिर आगे देखें हम BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत की, आपकी फ़ीस वही है 52,000 रुपये पर ईयर की, और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की आपकी फ़ी है जो MBBS की 1,80,000 रुपये पर ईयर है, जिसमें हॉस्टल चार्जेस आपके इंक्लूडेड नहीं है इनमें। तो इन सभी में हॉस्टल चार्जेस भी आप बाद में इंक्लूड होंगे। तो ये आप देख सकते हैं फ़ी है जो ट्यूशन फ़ी, वो आप देख सकते हैं आपके MBBS कोर्स की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और गवर्नमेंट एडेड है जो आपका MAMC अग्रवा। फिर BDS कोर्स की भी फ़ी है जो आपकी, वो 52,000 रुपीज़ है पर ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और NRI कैंडिडेट के लिए जो MBBS की फ़ीस है वो 25,000
$1,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और फिर आपको $12,500 देने होंगे पर ईयर फॉर 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए आपको ये NRI कैंडिडेट के लिए ये फ़ी स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस में जो फ़ी स्ट्रक्चर है MBBS का, वो 10 लाख रुपए आपकी फ़ी है पर ईयर की विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 5%। और यूनिवर्सिटी चार्जेस एक्चुअल लाइब्रेरी फ़ी 3,000-2,000, हॉस्टल फ़ीस आपकी 75,000 होगी। तो ये आप दे मान के चलिए 12 से 13 लाख रुपए आपकी पर ईयर की फ़ी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की या BDS की। तो ये आप देख सकते हैं MBBS की। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस आप ये देख सकते हैं, और जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सीट कितनी सीटें हर एक कॉलेज में, इसके रिगार्डिंग हमने PDF पहले ही सेंड कर रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन MK पर। तो वो टेलीग्राम चैनल पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और कितनी कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज हर एक कॉलेज की, हरियाणा में मेडिकल कॉलेज की, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर आपने देख लिया, और हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और PDS कोर्स का जो फ़ी स्ट्रक्चर है प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो आप देख सकते हैं 2,80,000 रुपये फ़ीस है आपकी पर ईयर की। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, ये फ़ी स्ट्रक्चर आपका BDS का है, और ये फ़ी स्ट्रक्चर आपका MBBS का है प्राइवेट कॉलेज का, और ये फ़ी स्ट्रक्चर आपका गवर्नमेंट कॉलेज का है MBBS का और BDS कोर्स का। और फिर ये लास्ट में जो लास्ट कॉलेज दे रखा आपको, ये महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट एडिड कॉलेज है, इसकी फ़ीस आपकी 1,80,000 रुपये है। और नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियोस भी आप देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने जो भी सजेशन हो वो भी हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।